Solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations. The given equations are 7x minus 2y over xy is equal to 5, and 8x plus 7y over xy is equal to 15. Now, दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें एल जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को स्प्लिट करेंगे विल स्प्लिट द फ्रैक्शन हेयर बाई राइटिंग विद द कॉमन डिनोमिनेटर कैसे करते हैं देखिए ये इक्वेशन को आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन को सेवन एक्स ओवर एक्स वाई माइनस टू वाई ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव वापस जब आप एलसीएम लेंगे तो यहीं पहुंच जाएंगे इस इक्वेशन में लाइक वी कैन राइट इट एज एट एक्स ओवर एक्स वाई 7Y over XY is equal to 15. Now, अगर आप एक्स का टर्म पहले लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस टू ओवर एक्स प्लस सेवन अपॉन वाई इज इक्वल टू फाइव इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं लाइकवाइज अगर इसको सोल्व करें यहां पर एक्स एक्स का टर्म कैंसल हो गया Y से y का टर्म कैंसल हो गया तो आपको मिलेगा एट ओवर वाई प्लस सेवन ओवर एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन और अगेन वाई के टर्म पहले लिखना चाहें आप तो आप लिख सकते हैं ये आपका सेकेंड इक्वेशन है नाउ दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें तो वन बाई एक्स और वन बाई वाई कॉमन है दोनों इक्वेशन में. मेंजूम वन बाई एक्स एज पी एंड वन बाई वाई एज क्यू अगेन इस एजम्पन को आप ध्यान रखिएगा तो अब ये जो इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में अब वो पी क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस इक्वेशन को अब आप लिख सकते हैं एज माइनस टू पी वन बाई एक्स के प्लेस पे हमने पी पुट किया प्लस सेवन क्यू इज इक्वल टू फाइव और ये इक्वेशन बन जाएगा आपका सेवन पी प्लस एट q इज इक्वल टू फिफ्टीन इसको आप थर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं और ये आपका फोर्थ हो गया अगेन सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड को ही फिर से चूज करूंगा तो जो आपका फोर्थ प्लस एट क्यू इज इक्वल टू फिफ्टीन ये फोर्थ इक्वेशन था नाउ अगर p का टर्म ये जो वेरिएबल p है इसको अगर आप एलिमिनेट करना चाहें तो इनका कॉफिशियंट आपको इक्वेट करना पड़ेगा उसके लिए हम क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन को आप सेवन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फोर्थ इक्वेशन को टू से तो दोनों का क्वाइफिशेंट इक्वल हो जाएगा पी का क्विफिशियंट उससे वो आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा और आप क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ थर्ड इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ सेवन क्या बन जाएगा ये आपका माइनस फोर्टीन पी प्लस फोर्टी नाइन क्यू इज इक्वल टू थर्टी फाइव इसको फिफ्थ इक्वेशन बोल देते हैं और ये हो जाएगा आपका फोर्थ इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें फोर्टीन पी प्लस सिक्सटीन क्यू इज इक्वल टू थर्टी ये सिक्स इक्वेशन बोल देते हैं इसको ना अब आप देखिए पी का क्विफिशियंट सेम हो गया और साइन कैसा है ऑपोजिट तो इसको सिंपली आप ऐड कर दीजिए ये तो कैंसिल हो गया फोर्टी नाइन क्यू प्लस सिक्सटीन क्यू से आपको मिलेगा सिक्सटी फाइव क्यू इज इक्वल टू थर्टी फाइव प्लस थर्टी इज सिक्सटी फाइव विच विल गिव एस क्यू एज वन और अब इस Q की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में जिससे आपको P मिल जाएगा से अगर मैं यहाँ पुट करना Q आपको मिलेगा चाहूंगा जिससे फाइनली पी आपको मिलेगा एज वन तो आपको पी भी वन मिल गया और क्यू भी वन के इक्वल मिला है लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हमने पी और क्यू को अज्यूम किया था ठीक है यहां पे सॉल्व कर देता हूं चलिए ऊपर स्क्रीन आपको ऊपर जो मैंने लिखा था वो दिखेगा नहीं आपको तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कंसिडर पी एज वन बाई एक्स हमने वन बाई एक्स को P एज्यूम किया था बट वी हैव P एज वन देर फोर एक्स इज इक्वल टू वन लाइकवाइज हमने q को एज्यूम किया था एज वन बाई वाई जिससे आपको q की वैल्यू तो वन है जिससे आपको y मिल जाएगा एज वन तो फाइनली जो गिवन पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन था उसका जो सोल्यूशन है वो क्या है x इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू वन मैं आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूं एक मिनट ये देखिए ये था क्वेश्चन आपका ठीक सो so, this completes our solution let us now move on to next section of the same question